नमस्कार, आप देख रहे हैं देश खबर का एफटी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं सिद्धार्थ नगर की खबर। यूपी के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों के अंतर जनपदीय व वर्चुअल स्थानांतरण को लेकर आज वैसी शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने बड़ा बयान दिया है। प्रदेश के आकांक्षी जनपदों के शिक्षक अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए बीते 5 वर्षों से अधिक समय से परेशान है। वैसी शिक्षा राज्य मंत्री आज सिद्धार्थनगर जिले के लोहिया कला भवन में आयोजित गुरुवंदन कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यूपी में 1,25,000 सहायक अध्यापकों के चयन के बाद अब शिक्षकों की स्कूलों में कमी नहीं रही, इसलिए आगामी अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में आकांक्षी जनपदों से स्थानांतरण किया जाएगा। साथ ही बताया कि जिले के अंदर के ब्लॉकों को में स्थानांतरण की प्रक्रिया के लिए विभाग तैयारियां में जुट गया है। इसके साथ ही अब शिक्षकों के वर्चुअल स्थानांतरण की प्रक्रिया को वर्ष पर्यंत करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे कि शिक्षकों को इसका लाभ मिल सके। नहीं, एक तो जो अंतर जनपदीय स्थानांतरण का मतलब जो एक जिले से दूसरे जिले में होता है, एक बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में रही है कि जो आकांक्षी जनपद थे वहाँ से स्थानांतरण कम हो पाते थे, लेकिन चूंकि प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले 4.5 साल में 1,25,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की है, अब प्रदेश में शिक्षकों की कमी नहीं है। इसलिए आगे जो भी अंतर जनपदीय स्थानांतरण होंगे उसमें आकांक्षी जनपदों में भी अधिक संख्या में स्थानांतरण हो सकेंगे, ये मैंने कहा है। दूसरी बात यह है कि जिले के भीतर जिसके लिए अंतरा जनपदीय शब्दावली का प्रयोग करते हैं, जिले के भीतर कोई व्यक्ति अगर अपने सुविधाजनक स्थान पर जाना चाहता है, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में कोई शिक्षक जाना चाहता है, तो उसकी प्रक्रिया विभाग तैयारी कर रहा है, वो जल्दी शुरू करने वाले हैं। और एक सुविधा हम दे रहे हैं कि जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, जो एक शिक्षक दूसरे शिक्षक के स्थान पर जाता है, उसके लिए हम ये व्यवस्था बना रहे हैं कि वर्ष पर्यंत जब भी किसी एक शिक्षक को अपनी जगह पर कोई दूसरा शिक्षक दूसरे जनपद का मिलेगा या जिले में भी कोई म्यूचुअल ट्रांसफर की बात होगी तो उसकी सुविधा वर्ष पर्यंत उपलब्ध करा सकें, उसकी भी व्यवस्था बना लें। कब तक होगा? समय सीमा तो बता दीजिए। कब तक? 6 महीने से सर यही बोल रहे हैं कि अगली बार होगा।